दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी बॉस के कुछ इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। बी बॉस एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिजल्ट अगर हमें मिलता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जिस इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है bboss.org.com, तो आप अगर उस पर जाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ मतलब मैं आपको यहाँ पे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देखना। तो वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपना अगर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डालते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जो स्टडी सेंटर है वो आपको दिखा देगा कि ये स्टडी सेंटर आपको NIS के फॉर्म फिल करते हैं। तो आप वहाँ से जा करके सिंपली में फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको कोई भी एजेंट वगैरह के हाथ से फॉर्म फिल नहीं कराना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लेंगे और आपको बोलेंगे कि मैं आपको प्रैक्टिकल में इतना नंबर दिला दूंगा, तो वो सारा कुछ फेक है। तो आपको उन सभी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। एडमिशन का सिंपल सा प्रोसेस यही है, आप वेबसाइट पर जाइए, मैंने इस पे प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वेबसाइट पर जाइए, अपना डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पिन कोड डालिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको कौन कौन से स्कूल जो है वो फॉर्म फिल करवाते हैं, तो आपको सीधा उसी स्कूल में जा करके कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर का। तो मैं इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर चुका हूँ, जो कि akilclicks.com पे है। बट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे MCQ आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहता है, एक इसका गाइड भी आता है जो कि राजधानी पब्लिकेशन का है, तो आप वो परचेज कर सकते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, मोस्टली इन इंग्लिश और हिंदी, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी में उससे डायरेक्ट 80 to 85% क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपको एग्ज़ाम हो जाने के बाद रिजल्ट कितने दिन बाद देगा, तो रिजल्ट ये लोग ऐसा मतलब कमिट करते हैं कि आपको 2 महीने बाद दे सकते हैं, बट ये ओपन बोर्ड है, ये देर भी हो सकता है, बट मोस्टली ये लोग रिजल्ट 2.5 month में दे देते हैं, आपको रिजल्ट ये लोग दे ही देते हैं, ठीक है ना। और रिजल्ट में आपको जैसे TC मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट भी शायद दिया जाता है। मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं बी बॉस में, मैंने उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, उस सारा का मैं प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी वो सब आ जाएगा, तो आप वो प्लेलिस्ट आएगा तो आप वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ओके। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट बी बॉस के रिगार्डिंग बातें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।